कई बार है ना इतनी उल्टियां आती हैं, बुखार भी हो गया है, कई बंदों को पेट खराब हो गया इस पानी की वजह से। क्योंकि हमारे तो गंदा पानी भी नहीं आता बिल्कुल, अगर गंदा आते हो तो कम से कम कपड़े तो धो लिया। कौन सा बाल्टी पानी आता है और ये ऐसा ही गंदा आता है। वीडियो देखने वाले दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो नीचे अपना नंबर दीजिए, हम आपके पास पहुँचेंगे, आपकी इस समस्या का वीडियो बनाकर जो है हम ऐसे ही लोगों तक पहुंचाएंगे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अभी से ही रोहतक की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पानी की समस्या अप्रैल के शुरू होते ही, यानी कि गर्मी का मौसम अभी इतना शुरू भी नहीं हुआ, गर्मियां मार्च में ही देखने को मिल गई थी, मार्च से ही रोहतक की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें हमारे पास ऐसे कई फ़ोन, ऐसे कई कॉल्स आए जिनको अटेंड करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतने लोग रोहतक में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका कहना सिर्फ यही है कि पानी 15 दिनों से एक ही टाइम आ रहा है, एक टाइम आ रहा है तो वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो भी ठीक है 15 मिनट के लिए भी आए अगर पीछे नहर में पानी नहीं है तो, लेकिन आ रहा है तो सीवर से भी ज़्यादा दूषित पानी आ रहा है। कैमरामैन को कहूँगी पहले लोगों से बात करने की बजाय पहले पानी दिखाएं कि किस तरीके का पानी रोहतक की जनता को पीना पड़ रहा है, जो मजबूर हैं वो पीने को। इसके साथ ही ये देखिए अगर डब्बे में भी देखेंगे तो किस तरीके का दूषित पानी, मास्क लगाने के बाद भी इससे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इतना गंदा पानी पीने को वो मजबूर हैं, कब से मजबूर हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? मेरा किरण नाम है। अच्छा, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद हैं। मैम मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कब से आप ये गंदा पानी यहाँ पर? एक महीना हो गया मैडम हमारे को, ये इतना गंदा पानी है, अगर कभी हम मोटर चला देते हैं थोड़ा वो चढ़ जाता है, हम कुरला भी नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी आता है, नहाने में खुजली शुरू होगी सारे हाथ पैरों पे। अच्छा, तो कोई ऐसा बंदा है जो इस समस्या से भी जूझ रहा हो, जिसको ये गंदे पानी पीने की वजह से या गंदा पानी लेने की वजह से जो है? ये देखो मेरे हाथों पे हो गई है मैडम, ये देखो खुजली भी शुरू हो गई है। अच्छा, और कई बार है ना इतनी उल्टियां आती हैं, बुखार भी हो गया है, कई बंदों को पेट खराब हो गया इस पानी की वजह से, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है हमारे। एक महीने से ऐसा ही गंदा पानी, एक महीने इससे भी ज्यादा गंदा पानी आता, आज तो कुछ ठीक भी आ रहा है, इतना गंदा पानी आता कि हमारे बाथरूम में चलता है ना तो हम बाथरूम में खड़े नहीं रह सकते, बिल्कुल जैसे सीवर का पानी आता है ऐसा पानी आता है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये शुरू में ही पानी ऐसा आता है या फिर 8-9 बाल्टियां भरने के बाद भी ऐसी आता है? 8-9 बाल्टी तो पानी आता है को नहीं? अच्छा, आता है नहीं इतना, तो 5-6 बाल्टी पानी आता है और ये ऐसा ही गंदा आता है। और देख, एक दिन मैंने कपड़े धो लिए इस पानी से, देख हाथ कैसे कट गए, आंगली कैसे कट रही, देखियो मतलब देखिए इस तरीके की समस्या। मैं डॉक्टर का दवाई लाई हूँ, ट्यूब लाई, टीके लगाए हूँ, पानी दिखाया। अच्छा, मैं इस पानी में कपड़े धोए थे, इतनी बुरी हालत हो रही है, क्या करें, इतने परेशान हो रही है। अभी आप जो प्रशासन या नगर निगम अधिकारी या जो जल बोर्ड के अधिकारी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहेंगे जी मेरा पानी साफ करो, पानी आना चाहिए दोनों टाइम, इसकी समस्या हल करो, पाइप देखो कितने टूट रहा है, सीवर का मेला है या पीछे से आता है, कहाँ से आता, तो पानी साफ होना चाहिए हमने। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या अभी से ही, मतलब ये पिछले जैसे इन्होंने बताया, महिलाओं ने बताया कि एक महीने से पानी ऐसा गंदा आ रहा है, तो क्या एक महीने से आ रहा हो सकता है उससे पहले का रहा, हमें पता नहीं चला, क्योंकि पानी मिक्स हो जाता है तो पता नहीं चलता, तब मुंह में लेने के बाद पता चलता कि इसमें, मतलब अभी खबर भी छपी थी कि 15 दिन तक पानी ऐसा आएगा, उसके बाद आने लग जाएगा, मान रहे हैं कि उसके बाद आएगा पानी साफ? आना चाहिए जी मैडम जी पानी। और मैं उन्होंने डेट दी थी कि 4 तारीख के बाद ना साफ पानी आएगा। अच्छा। आज 6 तारीख होगी तो आज तक नहीं, 3 दिन हो गया अभी तक साफ नहीं हुआ, तो आगे कैसे होगा साफ, है ना? हमारा यहाँ पास में ही बूस्टर है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल यहाँ मुड़ते ही थोड़ा आगे बूस्टर है, हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि वो हमारे बूस्टर से लेकर यहाँ तक हमारा ये जो पाइप लगे हुए हैं इनको चेक करे और हमें बताए भाई कहाँ से टूटा हुआ है, जो भी वो होगा प्रोसीजर वो हम करेंगे साथ में मिलके, प्रशासन के साथ मिलके। नहीं वो आपकी बात ठीक है, मैं ये पूछना चाहूंगी पानी सुबह आता है या शाम को आता है? सुबह आता है पानी, 5 बजे के बाद ही आता है, 5:15 तक, 5:20 तक पानी आ जाता है। अच्छा, और 5:30 तक खत्म भी हो जाता है यहाँ। अच्छा, मतलब 10 मिनट की ही पानी की आपको मिल रही है? एक मिनट
बताइए बताइए क्या मैम। मैं कह रही हूँ जैसे सुबह आप कह रहे हैं 5:20 पे आते हैं और 5:30 पर खत्म पे वापस खत्म, जबकि हमारा पास में ही बूस्टर है। अगर दूर बूस्टर हो तो ये भी नहीं पहुँचेगा। अगर दूर बूस्टर हो तो ये भी नहीं पहुँचेगा। हमारा बिल्कुल यहाँ पास में ही बूस्टर है, मेडिकल मोड पे बूस्टर है हमारा। तो देखो आप 10 मिनट पानी आता है वहाँ से, वो कितनी मिनट खोलते हैं। तो आप बताइए अब कैसे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बीमार हो रहे हैं मैम। आप जो कह रहे थे आप बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा तो गंदा पानी भी नहीं आता बिल्कुल। अगर गंदा आते हो तो कम से कम कपड़े तो धो लिया। वो भी ना गंदा भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता हमारे यहाँ। मतलब देखिए कईयों को गंदा तो मिल रहा है, इनको गंदा भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, मतलब आपको ये शिकायत है कि मिले तो कम से कम गंदा तो मिल जाए। गंदा तो मिल जाए कम से कम, पर ये गंदा भी नहीं मिल रहा। कपड़े धोने में भी दिक्कत है, पीने में तो दिक्कत है ही है, पर कपड़े धोने में भी दिक्कत। फिर क्या करे, साबुन तो लगा ले कम से कम, पानी साबुन तो लगा ले, कपड़े तो धो ले कम से कम। गर्मी के माहिए तो वो है। यानी देखिए कुल मिला के कईयों को पानी मिल रहा है तो पानी कईयों को साफ तो मिल ही नहीं रहा। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो नीचे अपना नंबर दीजिए, हम आपके पास पहुंचेंगे, आपकी इस समस्या का वीडियो बनाकर जो है हम ऐसे ही लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक कॉलोनी के साथ नहीं, रोहतक में कुछ एक ज़्यादा कॉलोनियों के साथ ये समस्या उनको जूझने को मिल रही है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ आदर्श नगर से मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।